Hi everyone. In last lecture we have completed our topic that is geometrical construction. हमने geometrical construction को complete कर लिया था जिसमें आप लोगों को last question में हमने hexagon को draw करना बताया था कि अगर compass के help से हमें hexagon draw करना है तो कैसे draw करेंगे. उसके बाद आपको बताया था कि आप एक pentagon खुद से draw कीजिएगा जिसमें angle भी बताया था कि pentagon के दो side के बीच में angle कितना होता है. अगर आप वो lecture देखे होंगे तो आपको ध्यान में होगा. आप video के description में, video के comment में आप बताइए कि किसी भी पेंटागॉन के दो साइड के बीच में एंगल कितना होता है. और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा. बट आई थिंक किसी को प्रॉब्लम हुआ नहीं, सबने अपने से ड्रॉ कर लिया, खुद से ड्रॉ कर लिया है, इसलिए किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि पेंटागॉन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है. तो आई थिंक आप लोग ड्रॉ कर लिए होंगे. अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता सकते हैं, मैं पेंटागॉन के लिए अलग से एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा. तो आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक, फर्स्ट यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्केल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए. वो हर बार पहले भी आता था, इस बार भी आने वाला है, न्यू सिलेबस में भी आएगा. और पहले ओल्ड सिलेबस में भी दो क्वेश्चन इससे रहता था, फर्स्ट का और में, और फर्स्ट का फर्स्ट भी रहता था और उसका और में भी रहता था, एक प्लेन स्केल से एक डायगोनल स्केल से. तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा. जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा भी. तो हम लोग शुरू करते हैं, स्केल क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे के लेक्चर में हम लोग देख लेंगे टाइप ऑफ स्केल, फिर वन बाई वन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे कि स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं. पहले स्केल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्केल के बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं कि स्केल का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर इसको देखने का यूज़ मिलता है, और कितना वेरिएशन होता है, कब हम लोग ज़्यादा वाला यूज़ करते हैं, कब लो वाला यूज़ करते हैं, कब फुल स्केल यूज़ करते हैं, वो हम लोग बेसिक देख लेंगे. फिर आगे के लेक्चर में इसका टाइप देखेंगे और फिर उसका क्या वेरिएशन है वहाँ पर देख लेंगे. तो सबसे पहले स्केल का यूज़ हम लोग, स्केल क्या होता है पहले वो देख लेते हैं. एक तरह का ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, रेशियो को रिप्रेजेंट करता है. मतलब हमने जो ड्राइंग बनाया है, ड्राइंग शीट में जो ड्राइंग बनाया, जो ऑब्जेक्ट बनाया, उसका क्या डायमेंशन है और कितना डायमेंशन में हमें बनाना था, या इसका एक्चुअल डायमेंशन कितना है. फॉर एग्जांपल ये हमारा डस्टर है, मान लीजिए डस्टर का साइज़ इसका 25 है, बट हमने जो ड्राइंग बनाया वो 15 लेकर बनाया, 25 नहीं बनाया, छोटा करके बना दिया इसको. तो यहाँ पर स्केल थोड़ा सा चेंज हो गया. अब मान लीजिए इसको हम लोग बड़ा करके बना देंगे, मान लीजिए 25 का ना बनाकर हम लोग इसको 50 का बनाएंगे, तो वही बोल रहा है कि ये रेशियो है या प्रोपोर्शन है कि किस डायमेंशन लेकर, क्या डायमेंशन लेकर हमने बनाया है, बाई कितना डायमेंशन एक्चुअल में दिया हुआ है. मतलब समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शन है, रेशियो है, कितना डायमेंशन दिया हुआ है. रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग बाय एक्चुअल डायमेंशन, इसी को स्केल बोलते हैं. आगे में हम लोग इसको देखेंगे, इसको एक और कुछ टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे. फिलहाल हम लोग स्केल का डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक तरह का रेशियो बताता है कि किस डायमेंशन में ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया है, बट उसका एक्चुअल डायमेंशन क्या था. हो सकता है कि एक्चुअल डायमेंशन बहुत ज़्यादा हो. मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम लोग एक छोटा सा शीट में ड्रॉ करना है, तो क्या वो एक्चुअल डायमेंशन बिल्डिंग का कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा फीट में है, बट हमने उसको जब ड्रॉ किया है तो इंचेज में ड्रॉ किया है, तो उसको रिड्यूस करके हमने ड्रॉ किया है. इसलिए इसको एक स्केल को एक प्रोपोर्शन बोला जाता है, एक रेशियो बोला जाता है. आपको याद होगा जब हमने टाइटल ब्लॉक पढ़ा था, वहाँ पर टाइटल ब्लॉक में जो हम लोग शीट के राइट साइड में ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा हमने स्पेस छोड़ा था जिसमें स्केल लिखते थे. स्केल में हम लोग लिखते थे 1:1. तो ये वही स्केल है. यहाँ पर स्केल का थोड़ा सा वेरिएशन हम लोग देखेंगे कितने टाइप का होता है. वहाँ पर आपको बताया था स्केल होता है जिस डायमेंशन में क्वेश्चन में दिया है हमने उसी डायमेंशन में बनाया है. मतलब ऊपर भी सेम डायमेंशन है, नीचे भी सेम डायमेंशन है, तो वहाँ पर रेशियो जो हो जाता है वो 1:1 हो जाता है. तो स्केल एक तरह का प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, एक तरह का रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि किस डायमेंशन में हमने बनाया है, बट उसका एक्चुअल डायमेंशन क्या दिया हुआ है. एक्चुअल डायमेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा भी होगा, एक्चुअल डायमेंशन हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटा भी होगा, बट हमने बनाया किस डायमेंशन में, क्या डायमेंशन लेकर बनाया है, तो इसी को रेशियो को, इसी के प्रोपोर्शन को हम लोग स्केल बोलते हैं. अब यहाँ पर देख लेते हैं कि स्केल बड़ा भी हो सकता है, स्केल छोटा भी हो सकता है, और स्केल सेम टू सेम भी हो सकता है. तो इसीलिए इसको तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करके हम लोग बात करते हैं. तो अपने से इसको देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं रिड्यूस्ड स्केल. ये स्केल मतलब हम लोग रेशियो या प्रोपोर्शन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, उसी का ये वेरिएशन है.
और जब आगे जब स्केल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, तो वहाँ पर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अलग पढ़ेंगे, वहाँ पर स्केल को ड्रॉ करना पड़ता है। बट यहाँ पर रेशियो या प्रोपोर्शन के टर्म में इसको अगर स्केल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग फर्स्ट रिड्यूस स्केल रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड हम लोग इनलार्ज करेंगे, और थर्ड हम लोग फुल स्केल करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं रिड्यूस स्केल है। तो रिड्यूस स्केल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है स्केल छोटा करके लिया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बट हमें शीट जो हमारा होता है, शीट अगर A2 शीट ले रहे हैं तो उसका स्पेस बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, 420 होता है लमसम, 420 के आसपास होता है, तो उससे ज़्यादा तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे उस पर। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कोई शीप हो गया, या वर्कशॉप में जो मशीन होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा, काफ़ी लॉन्ग उसका लेंथ होता है, तो उतना लेंथ तो हम लोग शीट में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके बना देते हैं। छोटा करके बनाते हैं तो उसी को हम लोग रिड्यूस स्केल बोलते हैं। जब भी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज का होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया, आपको इंडिया को किसी भी मैप में अगर रिप्रेजेंट करना है, किसी भी शीट पर बनाना है, तो क्या करते हैं उसका साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, साइज़ को छोटा करते हैं, तब जाकर हमारा एक कॉपी में, एक पेज में बनकर वो आता है, तो उसी को हम लोग रिड्यूस स्केल बोलते हैं। तो वहाँ पर आप कुछ भी स्केल ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिड्यूस स्केल मतलब जहाँ पर हम लोग साइज़ को रिड्यूस करके बनाएंगे उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक तरह का रिड्यूस स्केल है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी लार्ज साइज़ हो गया, देख देते हैं, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया अपना बिल्डिंग, लार्ज मशीन, शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, या फिर कोई भी एरिया हो गया, कोई एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टीसी कर देते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग स्केल यूज़ करेंगे वो रिड्यूस स्केल होता है, मतलब यहाँ पर साइज़ जो होगा वो छोटा करके हम लोग बनाएंगे। तो आपको क्या बता रहा था, रेशियो है किस डायमेंशन में हमने बनाया है और क्या डायमेंशन हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रेशियो जो हम लोग निकालेंगे स्केल का, तो यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस स्केल में हमेशा जो होगा रेशियो जो होता है वो ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए 1:2, ये एक तरह का रिड्यूस स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल है ये 1:2, 1:50 हो सकता है, 1:100 हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो डायमेंशन हमने लिया है वो छोटा है बट एक्चुअल डायमेंशन इसका बड़ा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोगों को बिल्डिंग ड्रॉ करना है, एक रूम हमें बनाना है जो जिसका शेप जो है 10x10 है, मतलब 10 फीट बाई 10 फीट है, बट हम लोग शीट में तो 10 फीट का शीट अपने पास है नहीं, तो एक्चुअल डायमेंशन नीचे में जो होगा वो 10x10 हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कितना शीट पर, कॉपी पर कितना बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास शीट इतना बड़ा है तो 1 फीट का हम लोग बना सकते हैं, तो 1x1 बना सकते हैं, तो यहाँ पर 1:1 अगर कर दें तो ये यहाँ पर स्केल क्या हो जाएगा, 1:100 हो जाएगा। तो ये एक तरह का रिड्यूस स्केल हो गया, मतलब रूम का जो साइज़ था वो फीट में 10x10 था, बट हमने जो स्केल लेकर बनाया है, हमने जो इसको रिड्यूस करके बना दिया, 1 फीट बाई 1 फीट का बनाया है, तो 1:1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या रेशियो आ गया, 1:100 का आ गया, मतलब यहाँ पर जो स्केल हो गया हमारा 1:100 हो गया। ये एक रिड्यूस स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिड्यूस स्केल में हमेशा ऊपर वाला टर्म जो होता है वो छोटा होगा और नीचे का जो एक्चुअल डायमेंशन होगा वो बड़ा होगा। हमने अभी देखा था ऊपर में जो होता है, जो ड्राइंग में हमने डायमेंशन लिया है वो लेते हैं, और नीचे में जो होता है वो एक्चुअल डायमेंशन लेते हैं, ड्राइंग डायमेंशन बाई एक्चुअल डायमेंशन। तो एक्चुअल डायमेंशन जो भी दिया हुआ रहेगा, जिस डायमेंशन का ओरिजिनल उसका डायमेंशन होगा, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का कुछ डायमेंशन होगा, लार्ज मशीन है तो लार्ज मशीन का कुछ डायमेंशन होगा, बहुत बड़ा बड़ा मशीन है उसका जो एक्चुअल डायमेंशन होगा वो नीचे में रहेगा। तो रिड्यूस स्केल का जब भी हम लोग बात करेंगे तो साइज़ जो होगा ऊपर का छोटा होता है और नीचे का जो होता है डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। हमेशा रिड्यूस स्केल का पहचानने का यही रूल है, ऊपर का छोटा होगा नीचे का बड़ा होगा। तो ज़्यादातर हम लोग जो ड्राइंग में यूज़ करते हैं, अगर बहुत लार्ज साइज़ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब हम लोग रिड्यूस स्केल यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ अगर लार्ज साइज़ नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हमने देख लिया लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको रिड्यूस स्केल बोलते हैं। यहाँ पर इसका एग्जांपल में दे देते हैं क्या क्या हो सकता है, किस शेप में, मतलब कैसा हो सकता है, जैसे 1:2 हो गया, 1:10 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब अपने आपका जो भी आ रहा है, आपने जैसा माना है 20 भी ले सकते हैं, 1:100 भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी आपको लेना है तो 1:1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप किलोमीटर में दिया है, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो साइज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स्ड रही है कि यही चारों पाँचों होगा, इससे कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी वेरिएशन होता है, 1:2,
5, 6, 7, 4, 1 कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे आ रहा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। आगे आपको स्केल जब हम लोग पढ़ेंगे फुल डिटेल में तो वहाँ पर देखेंगे आपको आरएफ निकालने के लिए, देखेंगे आरएफ क्या होता है वो भी देखेंगे। सेकंड देख लेते हैं इन लार्ज स्केल। इन लार्ज स्केल वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बट उसे हमें ड्राइंग में ड्रॉ करना होता है तो थोड़ा सा उसको बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ है हमारे पास वॉच होता है, वॉच का अंदर का जो एलिमेंट्स होते हैं, जो स्क्रू होता है, जो गियर्स होता है, एक एक इक्विपमेंट उसमें जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बट उसे अगर हमें ड्राइंग शीट में बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो उसको इनलार्ज करके उसको बड़ा करके बनाया जाता है। उसी तरह से सबसे सिंपल एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का अंदर का जो सर्किट होता है वो कितना छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, उसमें छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें क्या क्या डायोड लगा हुआ होता है, तो वो सब रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा उसको इनलार्ज कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज स्केल। तो इनलार्ज स्केल वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी स्मॉल है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया एग्जांपल वॉच हो गया, मोबाइल फ़ोन का कुछ अंदर का एलिमेंट हो गया, मोबाइल एलिमेंट कर देते हैं, अंदर का एलिमेंट अगर हमें शो करना है तो उसके लिए कर सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, मतलब कैसा रेशियो में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका जो होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्परिजन टू नीचे वाला न्यूमरेटर के कम्परिजन में, तो यहाँ पर उल्टा एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने डबल करके बनाया तो 2:1 हो जाएगा, अगर 5 times मल्टीप्लाई करके बनाया तो 5:1 हो जाएगा। मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ा 100 times मल्टीप्लाई करने का, 100:1 हो जाएगा। मान लीजिए ज़रूरत पड़ा 1000 मल्टीप्लाई करने का, 1000 उसको इनलार्ज करने का, तो 1000:1 हो जाएगा। तो जब भी स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो अगर 2:1 है मतलब हमने डबल करके बनाया, 5:1 है मान लीजिए हमने उसको 5th time बनाया, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर से एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ 2 mm साइज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अब उसे हमें ड्रॉ करना है, मान लीजिए कोई स्क्वायर है, स्क्वायर हमें ड्रॉ करना है जिसका एक साइड जो है उसका 2 mm है, बट हमें 2 mm हम लोग तो ड्रॉ कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो बहुत छोटा दिखेगा, तो हम लोग उसको इनलार्ज कर देंगे। मान लीजिए कि हमने मान लिया 2 mm जो है वो 20 mm के बराबर है, ये स्केल माना जाता है, खुद से हम लोग मान सकते हैं ड्रॉ करते टाइम, वहाँ पर बस मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए इसको कट किया हमने तो 1:10 आ जाएगा, मतलब ये हमने ड्राइंग किस में किया, हमने ड्राइंग 20 में किया, 20 ऊपर में रहेगा, एक्चुअल कितना था, एक्चुअल 2 था, 2 नीचे में रहेगा, तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10:1 आ जाएगा। तो मतलब हमने 10 times मल्टीप्लाई कर दिया उसको, मल्टीप्लाई करके जो स्केल आया फिर उसमें हमने बनाया, तो ये हो गया हमारा इनलार्ज स्केल। उसी तरह से रिड्यूस स्केल में भी सेम टू सेम होता है, कितना डायमेंशन में हमने बनाया बट एक्चुअल क्या दिया हुआ, एक्चुअल मान लीजिए 20 दिया हुआ है बट हमने 10 में बनाया तो 1:2 हो जाएगा, एक्चुअल मान लीजिए 10 दिया हुआ हमने 1 में बनाया तो 1:10 हो जाएगा, उसी टाइप से यहाँ पर भी होता है। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट है फुल स्केल। तो इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इन तीनों से, किसमें से कौन फुल स्केल है, इसमें से कौन लार्ज स्केल है, कौन इसमें से रिड्यूस स्केल है। तो फुल स्केल हमेशा 1:1 होता है। फुल स्केल कहने का मतलब जिस डायमेंशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है या ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिनल साइज़ है वो डायमेंशन और किस डायमेंशन में हमने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल सर्कल बनाया था जिसका मान लीजिए 30 mm रेडियस था, 30 mm रेडियस क्वेश्चन में दिया था, हेक्सागन था, हेक्सागन का हमने 30 mm साइड का बनाना था और हमने बनाया भी उसको 30 mm साइड में ही, तो यहाँ पर जो डायमेंशन यहाँ पर देख लीजिए ड्राइंग डायमेंशन तो 30 का था, 30 में हमने बनाया और दिया हुआ कितना था, एक्चुअल डायमेंशन उसका कितना था, 30 में ही था, तो जब रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो फुल स्केल का हमेशा जो रेशियो होता है, हमेशा जो प्रोपोर्शन होता है वो 1:1 ही होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जिस डायमेंशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी डायमेंशन में मान लीजिए हमने बनाया, या फिर कह सकते हैं ये हमारा डस्टर है, डस्टर का मान लीजिए कुछ भी डायमेंशन है, ये सामने से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये डायमेंशन 25 है, ये डायमेंशन हमारा 8 है और हमने ड्राइंग में इतना ही का बनाया, 25 × 8 का ये शेप हमने बना दिया यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, तो ये जो हमारा बना इसके ये डस्टर ये हमारा फुल स्केल में बना, ताकि ये जो रेशियो था हमारा उसी रेशियो में हमने यहाँ पर बना दिया, तो ये हमारा फुल स्केल हो गया 1:1 के रेशियो में हो गया। समझ में आ गया आपको, रिड्यूस स्केल मतलब साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है जिसको हम लोग ड्राइंग शीट में नहीं बना पाएंगे या हमारे ड्राइंग शीट में स्पेस बहुत कम है,
उतना हम लोग नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग वहाँ पर रिड्यूस स्केल लेकर काम करते हैं, यहाँ पर लार्ज स्केल लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, बिल्डिंग हो गया, लार्ज लार्ज मशीन हो गया, शिप हो गया, या फिर मैप हो गया, किसी जगह का एरिया हो गया, वहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर, जैसे कि रेशियो यहाँ पर हमेशा ऊपर का जो होता है वो छोटा होता है और नीचे का बड़ा होता है, पहचानने का ये तरीका है। उसी तरह से इन लार्ज स्केल स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और फुल स्केल जिस स्केल में हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी स्केल में अगर हमने बनाया तो वो फुल स्केल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इसका थोड़ा सा वेरिएशन जो था जो हम लोग ड्राइंग में यूज़ करते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है जो एग्ज़ाम में, तो इसी से पूछता है, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। मान लीजिए बोल देगा रिड्यूस स्केल है, रिड्यूस स्केल में से कौन सा है वो आपको बोल देगा इसमें से सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर बता देना है। मान लीजिए कि यह रिड्यूस स्केल पूछा है, ऑप्शन में दिया हुआ है 2:1, 3:1, 1:5, 1:1, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है वीडियो के कमेंट में किसमें से रिड्यूस स्केल कौन सा है, कहाँ पर हमने रिड्यूस स्केल यूज़ किया है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा इसमें रिड्यूस स्केल है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका इनलार्ज स्केल बताना है, इनलार्ज स्केल इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है इनलार्ज स्केल, 1:10, 1:2 कर देते हैं, 2000 वैसा भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि वन के फॉर्म में देगा, कुछ भी दे सकता है, 2:3000 कर देते हैं, 1:1 हमारा, 50:1। अब इनमें से आपको बताइए जो फोर है, फॉलोइंग फोर हैं इसमें से, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अब वन का लिख दीजिएगा कौन सा होगा, टू का कौन सा होगा, ये कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अब देख लेते हैं कि जो स्केल होता है उसको एक्सप्रेस करने का, रिप्रेजेंट करने का एक फैक्टर, तो वो क्या होता है वो देख लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं जो हमने यहाँ पर देखा ऊपर में जो लिखा ड्राइंग का साइज़ क्या होता है, एक्चुअल साइज़ क्या होता है। यहाँ पर एक टर्म आता है जिस जो स्केल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिससे हम लोग स्केल को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। शॉर्ट में इसको RF से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट में ही लिखते हैं जब स्केल हम लोग पढ़ेंगे, जब डिटेल में स्केल के बारे में हम लोग वहाँ देखेंगे टाइप ऑफ स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, तो वहाँ पर हम लोग RF निकालना पड़ता है। तो एक तरह का जो हमने अभी पढ़ा था इनलार्ज रिड्यूस, इसी से हम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, दोनों में से जो भी लिख सकते हैं आप, एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हमने देखा था ऊपर में वैसा टर्म होता है जो हम लोग ड्राइंग में बना रहे हैं, जिस साइज़ का हम लोग बना रहे हैं, मतलब जो डायमेंशन हमने ड्राइंग में लिया, और नीचे में वैसा टर्म होता है जो एक्चुअल साइज उसका दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई सर्कल हमें बनाना है, ड्रॉ करना है, क्वेश्चन में है कोई सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर बोल रहा है मान लीजिए कि 500 mm है, बट हमें 500 mm का हमें बनाना नहीं है, हमें उसको रिड्यूस करके बनाना है, उसको छोटा करके बनाना है, बिकॉज 5 mm मतलब 50 cm का हमें सर्कल बनाना है, तो काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो जाएगा, वो काफ़ी स्पेस ले लेगा, तो हमें क्या करना है उसको रिड्यूस कर लेना है। तो हमने एज्यूम करना है कि 500 जो है mm, हम लोग उसको 50 mm लेकर बनाएंगे, मतलब हम लोग जो साइज़ बनाएंगे, जो लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग करेंगे वो 50 mm का करेंगे, बट एक्चुअल जो साइज़ है वो हमारा 500 है। तो अगर हम लोगों को RF यहाँ पर निकालना होगा सर्कल का कि RF क्या हमने लिया, तो 50 ऊपर में हो जाएगा, जो जिस साइज़ का हमने बनाया लेंथ ऑफ ड्राइंग, जिस साइज़ का हमने ड्राइंग किया या फिर करने वाले हैं, और नीचे में हो जाएगा एक्चुअल साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका एक्चुअल साइज़ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 500 दिया हुआ है, यहाँ से कट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RF आ जाएगा, यहाँ पर is equal to 1:10 आ जाएगा, मतलब हमने 10 टाइम्स उसको रिड्यूस करके बनाया है। यहाँ पर 500 एक्चुअल दिया हुआ था बट हमने 50 बनाया, तो यहाँ पर RF जो होगा 1:10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर रिड्यूस स्केल है, न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है, ऊपर वाला पोर्शन छोटा है एज़ कम्पेरिजन टू नीचे वाले से डिनोमेटर से। तो इसी तरह से हम लोग RF
में RF से हमें पता चलेगा कि जो स्केल हम लोग ले रहे हैं वो रिड्यूस है या इनलार्ज है या फुल स्केल है। अगर क्वेश्चन में 50 ही दिया रहता, मान लीजिए क्वेश्चन में 500 ना देकर 50 ही दे देता, 55 है और हम लोग बनाते भी 50 का ही, तो RF अगर वहाँ पर निकालते तब क्या आता, 1:1, बिकॉज ऊपर लेंथ ऑफ ड्राइंग हमारा 50 है और ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज़ है वो भी 50 है, तो 50/50 कर देंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा साइज़ का लेकर बना रहे हो, क्वेश्चन में अगर बहुत ज़्यादा लार्ज दिया हुआ है उसको छोटा करके बना रहे हो तो वो रिड्यूस स्केल हो जाएगा, वहाँ पर RF ऊपर में स्मॉलर आएगा, नीचे में जो टर्म आएगा वो लार्जर आएगा, और अगर इनलार्ज करके बना रहे हो तो ऊपर का टर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेरिजन टू नीचे का वाले टर्म के। जो स्केल हमने पढ़ा था अभी, रिड्यूस स्केल, इनलार्ज स्केल, फुल स्केल, वो RF से ही हम लोग निकालते हैं। तो RF जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपके स्केल चैप्टर के लिए, स्केल जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बिकॉज आगे जो हम लोग स्केल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, वहाँ पर RF का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो RF आप लोग ध्यान में रखिएगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है वो लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब किस लेंथ में हमने ड्राइंग किया या करने वाले हैं शीट में, और बट उसका एक्चुअल साइज़ ऑब्जेक्ट का क्या दिया हुआ है, तो अगर दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा RF कैलकुलेट हो जाता है। तो ये टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन का पोर्शन एक देख लेंगे, कुछ डायमेंशन का कन्वर्जन करते हैं, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलोमीटर, तो ये देख लेंगे कितना कितना होता है, बिकॉज स्केल जब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर इसका काफ़ी खासकर ज़्यादा यूज़ आने वाला है। फिर माइल कितना होता है, एक माइल में कितना फीट होता है, फीट और इंचेस में क्या रिलेशनशिप है, माइल और फरलांग में क्या रिलेशनशिप है, यार्ड और फिट में क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग वहाँ पर देख लेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद से हम लोग फिर प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक ये टॉपिक जो है अपना स्केल का टॉपिक 1 वीक में आई थिंक कवर हो जाना चाहिए, बिकॉज 3-4 क्वेश्चन एक में कर लेंगे और 3-4 क्वेश्चन डायगोनल में कर लेंगे। इस टाइप से अगर हम लोग 8-9 लेक्चर अपलोड करते हैं अगर आपको प्रोवाइड किया जाता तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि फर्स्ट यूनिट जो है अपना जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग ऑर्थोग्राफिक में इन कर जाएंगे। और एक और बात बता दूं आपको, अपना जो थर्ड यूनिट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी वो सिलेबस हमें पढ़ना था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में था बट यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना है, बट उसका काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, प्लेलिस्ट बना हुआ है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आप चाहें अगर सेपरेट साइड से अगर आपके पास टाइम बच रहा है अभी फिलहाल, अभी अगर आपके पास ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, स्टडी का लोड नहीं है, तो आप चाहें तो वहाँ पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन खुद से स्टार्ट करके पढ़ भी सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी समझाया गया है, वो बोर्ड पर नहीं पढ़ाया गया, वो स्क्रीन पर पढ़ाया गया है, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी डिटेल में बताया गया है। अगर आप चाहें तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, इंजीनियर आधार के प्लेलिस्ट में ही जाकर देखेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एक प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग टॉपिक में था बट यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में है, बट आप चाहें तो कुछ 10-15 लेक्चर देख सकते हैं, वो कॉमन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग यहाँ भी स्टार्ट करेंगे आगे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, बट अगर आपको जल्दी है ज़्यादा तो आप चाहें तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्री हैंड स्केच भी आपको ऑलरेडी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, इसी चैनल पर फ्री हैंड स्केच का भी टॉपिक अपलोडेड है जो आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है, तो फ्री हैंड स्केच भी ऑलरेडी कंप्लीट कराया हुआ है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तो हम लोग करेंगे ही 1 by 1। तो ये हमने देख लिया है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट वीडियो के कमेंट में आप जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम एप्लीकेशन है ऑलरेडी आप जानते होंगे, वहाँ पर भी इस चैनल का ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और फेसबुक पेज का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ 110 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, सारे चैप्टर से इंक्लूड किया गया है, 1-4 जो चैप्टर है उसे इंक्लूड किया गया है, तो उसको भी डाउनलोड करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक pekun.in का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, इसको डोनेशन पर्पज़ के लिए दिया गया है, अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो अगर कुछ चैनल को हेल्प करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके कुछ भी अमाउंट आप खुशी से जो भी देना चाहते हैं इस लिंक पर क्लिक करके दे सकते हैं, ताकि चैनल के इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट हो जाएगा। तो हम लोग यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देख लीजिएगा और देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।